और हम जानेंगे कि भिंडी में लगने वाले रोग व उसके कीट प्रबंधन के बारे में। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे अभी आप चर्चा कर रहे हैं भिंडी में लगने वाले कीट बीमारियां, उनका कैसे प्रबंधन करें, किसान भाइयों इससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि कीट और बीमारियों को हम पहचाने कैसे। तो इससे सबसे पहले ध्यान दें कि किसान भाई कीटों को जो आक्रमण हो रहा है फसल के ऊपर उसको पहचानेंगे कैसे। है जैसे हम झारखंड में बात करते हैं, अगर हम बुआई से लेकर के फसल की तुड़ाई तक में कीटों को देखते हैं तो कौन सा कीट किस स्टेज पे आता है, तो सबसे पहले जो कीट जो आने की संभावना है वो कीट है आपका माहू कीट है, जो पत्तियां जहां से निकलती है वहां पर आपका जो पत्तियां निकल रही है वहां पर एक कॉलोनी बना करके रस चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा कमज़ोर होता है। ध्यान दें जहां पे आपका पौधा बढ़वार कर रहा है उन पत्तियों पे ही आपको कीट मिलेगा, छोटा छोटा कीट है जो रस चूसता रहता है। उसके बाद में जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ता जाता है, कई बार हम देखते हैं कि पत्तियां हैं वो लाल रंग की ऊपर से दिखाई देती हैं, वो आपको लास्ट स्टेज में दिखाई देंगी। अगर पत्तियां पीली हैं तो इसको कई किसान कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें नत्रजन की कमी है, लेकिन नत्रजन की कमी नहीं होकर के अगर किसान पीछे से घुमा करके पत्ती को देखेंगे तो उसमें बहुत छोटा छोटा हरे रंग का कीट होगा जो साइड साइड में ऐसे भागेगा। इसका मतलब आपके कीट में जैसिड, आपकी फसल में जैसिड का प्रकोप हो गया है। इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, और ये कीट अगर आप इसका रोकथाम नहीं करते हैं तो बाद में जा करके जो पत्तियाँ लाल रंग की हो जाती हैं वो इसी कीट की वजह से, रस चूसने की वजह से और उसका टॉक्सिन छोड़ने की वजह से ये वाले सिम्टम्स उसमें उभर करके आते हैं। कीट जैसे जैसे बढ़ जाता है, कई बार पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी कि पत्तियां पीछे की तरफ में मुड़ रही हैं, उन पत्तियों को अगर आप घुमा करके देखेंगे तो जाला दिखाई देगा और उसमें छोटा छोटा बहुत सारी छोटी छोटा कीट होगा जिनको माइट्स बोलते हैं, उनका इन्फेस्टेशन भी होता है। जब तापमान बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तापमान है जो अभी का समय अब जो झारखंड में देख रहे हैं, तो इसमें माइट की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर मुख्य रूप से जो कीट आता है वो आता है कि जैसे भी फसल फल पत्तियों के ऊपर देखेंगे तो एक सफ़ेद रंग का ऊपर के रूप में सफ़ेद छोटी सी सफ़ेद मक्खी दिखाई देगी। ये मक्खी पीछे भी पत्तियों में बहुत सारी लगी हुई रहेगी, रस चूसती रहती है। इसका मुख्य नुकसान यह है कि यह एक मुख्य जो बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम येलो वेन मोजेक बोलते हैं, उसमें आप इस बीमारी में देखेंगे कि पत्ती की जो वेन्स हैं वो पीली हो जाती हैं और बीच का भाग हरा रहता है। तो उस जो वायरस की बीमारी है उस बीमारी को ये सफ़ेद मक्खियाँ फैलाने का काम करती हैं, तो उनका भी प्रबंधन आवश्यक है। इनके साथ साथ में कुछ बीमारियाँ भी आती हैं, कई बार देखते हैं कि पूरा पौधा एक साथ में गल जाता है, तो जिसमें विल्ट होता है, मुख्य रूप से फ्यूजेरियम विल्ट भी लगता है, फ्यूजेरियम या फिर आपका बैक्टीरियल विल्ट, जिसकी वजह से आपके पौधे गल करके मर जाते हैं। हम प्रबंधन की बात करेंगे, प्रबंधन में मुख्य ये है कि अगर हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में जाना होगा। कई बार आजकल बहुत सारी जो जैविक खेती की बातें हो रही हैं, ऑर्गेनिक खेती की बातें हो रही हैं, तो भिंडी में आमतौर पर बोला जाता है कि बगैर स्प्रे के आपका कीट प्रबंधन होगा ही नहीं, और स्प्रे भी करेंगे तो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों को सुझाव देते हैं कि जब भी भिंडी लगाते हैं आप, तो भिंडी के चारों तरफ में यहाँ पर अगर संभव हो सकता है तो या तो आप अरंडी लगाइए, या अरंडी नहीं लगा पा रहे हैं तो सोरगम ज्वार या मेज का एक लाइन चारों तरफ लगाइए और बीच बीच में एक एक लाइन कहीं कहीं पे लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि ये एक बैरियर क्रॉप का काम करेगा, और बहुत सारे इसमें किसान यहाँ पर इसके साथ में किसान यहाँ पे भी देखा गया है कि जो आपका सफ़ेद गेंदा फूल है, सॉरी पीला गेंदा फूल है, उसका भी खेती करते हैं, तो वो भी लाभदायक है, जिसमें जो सफ़ेद मक्खियाँ आकर के आकर्षित होती हैं। तो बुआई के समय में आप सबसे पहले ये वाला जो ट्रैप क्रॉप का कॉन्सेप्ट है ये ज़रूर लगाएं, ये ज़रूर करें, क्योंकि अगर भिंडी अकेली ही होगी तो उसमें कीटों का और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। दूसरा, जब भी आप बीज का बुआई करते हैं तो बीज की बुआई के समय में उसको इमिडाक्लोप्रिड, जो गोछू के नाम से मार्केट में मिलता है, 5 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से बीज उपचारित करके बोएं। इससे क्या होगा कि जो बीज आपका निकल रहा है वो अर्ली स्टेज में कीट, काफ़ी कीटों से आपका रेजिस्टेंट रहेगा, उस पर कीट कम लगेगा।